है तो आज मुसलमान की पहचान आज ही हो चुकी है झूठ बोलना, जबकि सहाबा की पहचान क्या थी? सहाबा की पहचान सच्चाई के लिए पहचाने जाते थे, वो कि ये झूठ ही नहीं बोलते हैं, वो लोग इस वजह से जो है दीन को कबूल किया करते थे। लेकिन आज जो हमारी पहचान क्या है, आज का मुसलमान झूठ से पहचाना जाता है, झूठ, वादा खिलाफी करना, ये वो उधार दे दिया तो उसको क्या करना, चक्कर पे चक्कर देना, वादा खिलाफी करना, ये आज हम देखते हैं कि तमाम मामला यही है, वादा करते निभाते नहीं, उधार ले लिया भाई क्या दे देंगे ना भाई, मर थोड़ी रहे, भाग के थोड़ी जा रहे, ये जो अल्फाज वो कहता है, तो ये क्या वादा खिलाफ़ आपने कह दिया, फिर आप उसको चक्कर पर चक्कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जो उसके अंदर हो, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर उधार ले उसकी नियत ना देने की हो तो चोर है, यानी अगर शरीयती कानून हो तो क्या होगा, चोर कहलाया जाएगा, चोर की सज़ा क्या है, तो उसमें चोर गिना जाता है। और इसी तरह जो है झूठ का ये आलम है, जबकि मुहद्दिसीन इतना एहतियात करते थे कि एक बार जो है किसी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को किसी ने कहा कि वो फलां शख्स है, और वो जो क्या है कि वो फलां शख्स के पास में एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गए सफ़र करके, तो सफ़र करके जाकर उन्होंने कहा कि आपके पास फलां हदीस है, तो उन्होंने कहा, लेकिन जाकर उन्होंने क्या हुआ, पहले उसने देखा कि वो शख्स है, किसी ने पूछा उन्होंने क्या कि वो शख्स है, तो वो क्या हुआ कि एक जानवर को बुला रहा था, यानी उसका पालतू जानवर था, उसको बुला रहा था कि दे देना, जानवर को बुलाते हैं, तो इसे वो बुला रहा था, उन्होंने कहा कि तू इसको बुला रहा था कि वाकई में तो खाने को तेरे हाथ में कुछ है, बोले नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको बुला रहा था, आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी जो है हदीस नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि तू जानवर से झूठ बोलता है तो इंसान से भी बोल सकता है। तो मुहद्दिसीन इस हद तक जो है झूठ से परहेज़ करते थे, यानी जानवर से झूठ बोलने वाले की बात भी नहीं लेते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आम है, और इतना आम है कि छोटी छोटी बातों पर जो है लोग झूठ बोलते हैं। ख्वातीन खास उसके अंदर अगर कि ख्वातीन एक अच्छा कपड़ा लेकर आ गई, सेंडल लेकर आ गई, चूड़ी कोई बक्खल अच्छा ले लिया, उससे पूछ ले कहाँ से लाई, नहीं नहीं वो तो फलां जो है हमारे वो गए थे दुबई, वो फलां मुंबई गए थे वहाँ से लेकर आए फलां जगह, अरे भाई वो ले आएंगे क्या होगा उससे, बोले नहीं एक जैसा नहीं होना, लेटेस्ट अपने पास होना, एंटीक होना चाहिए अपने पास होना, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप उसके लिए, इतनी इतनी छोटी बात के लिए, कपड़ों के लिए, कंगन के लिए, चूड़ी बक्खल के लिए झूठ बोलना, तो हम देखते हैं कि आम चीज़ है, आम एक दूसरे को बताने को तैयार नहीं, यानी झूठ उसके लिए बोल दिए जाते हैं, इतने झूठ को बोलते हैं। और झूठ बोलना क्या है, ये मुनाफिक की सिफत है, झूठ बोलना मुनाफिक की सिफत है, तो मुनाफिक के अंदर सिफत उसके अंदर आती है। और इसी तरह झूठी गवाही देना, झूठी गवाही हम देखते हैं कि आम, या फिर झूठे आम, तो झूठी गवाही तो ऐसा आम हो गया कि आप अगर कोर्ट में जाएंगे अदालत में और आप वहाँ पर लोग जो आपको मिल जाएंगे, वहाँ रहते हैं पेड लोग बैठे रहते हैं, बोले क्या, बोले फला फला जमीन का मसला, बोले गवाह चाहिए, तो वो कहता है इतने पैसे लगेंगे गवाही दे दूंगा मैं, वहाँ मौजूद था झगड़ा के वक्त, वो के भी देता है, यहाँ तक कि कत्ल गारतगिरी के मामले के अंदर भी मिल जाएंगे बड़ा, अरे ये तो कत्ल का मामला बड़ा गवाह लगे तो बड़े गवाह को बुलाओ, तो उसको बोलना भी आता है, वो जीरा भी कर सकता है कि मैं ये था, पूरी स्टोरी बयान करता, मतलब उसके फिर कीमत अलग होती है। तो आज ये मामला आज हम देखते हैं तो ये हो चुका है। और जबकि मजाक में झूठ बोलना भी मना है, कि मजाक में भी झूठ बोला, हम देखते हैं कि मजाक में आज लोग चुटकुले शेयर कर रहे हैं, एक सरदार था, कहाँ था वो, किसी कम्युनिटी का आप कैसे मजाक उड़ा सकते हैं, अगर कोई कहे कि एक मुल्ला था तो आपको फिर बुरा लगेगा, भाई हमारे बारे में ऐसे कहते हो तुम, तो आप फिर क्यों उनके दूसरे की कौम का आप मजाक उड़ाते हैं, और लोग तो भाई इसको सब्सक्राइब करते हैं, बड़े बड़े होता है लाफ्टर चैलेंज, क्यों झूठ बोल बोल के हंसाया जाए। तो आज तो मरहला हम देखते हैं तो इस हद तक इसमें पहुंच गया, और सोशल मीडिया इसके अंदर आज देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ तो ये होता है कि एक आदमी को कुछ झूठ मजाक चुटकुला में सुना दिया तो उसकी हद तक, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मसला है सोशल मीडिया के ऊपर, एक उसने अगर झूठ बोल दिया उस पर चला दिया तो वो नहीं जानता उसकी, वो अनलेस उसकी लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, वो कहाँ तक जाएगा वो खुद भी उसको मालूम नहीं, वो जहाँ से भेजता है इंडिया से वो अमेरिका तक और पूरी दुनिया के अंदर वो घूम जाएगा, एक झूठ उसका, इसको किसी ने किया हो सकता है कि आपको नहीं, बोले मेरे फैंस, मेरे तो फेसबुक पर इतने जो है फैंस नहीं है, 100-200 हैं, लेकिन 100-200 हैं, लेकिन 100-200 के अंदर एक आदमी ऐसा है कि आपकी उस बात को लेकर उसके पास इतना बड़ा चैनल है कि उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया, आप देखिए पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो वो सारा गुनाह आपके ऊपर होता है। तो इंतहाई इसको ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल हम करें, तो सही चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करें।